दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः ईपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए फिर से बात करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने बात की थी छंद के बारे में थोड़ा सा, और वेद के अंगों के बारे में, और वेद के अंगों के बाद में हमने चरण के बारे में बात की थी। चलिए यहाँ से आगे बात करते हैं। हम छंदों के प्रकार के बाद में पार्ट नंबर टू है, छंदों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। हम देखिए, ऋषियों ने जब वेदों की रचना की थी तो वहां वैदिक छंदों का प्रयोग किया था, लेकिन उसके बाद परवर्ती कवि आए, उन्होंने उनको लौकिक छंदों में दूसरा प्रकार उनका लौकिक छंद बना दिया, और ज्यादातर वर्णों पर निर्भर होते हैं, तो वह
अच्छे आते हैं।